लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा निर्वाचन का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार बीजेपी 29 सीटों को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी जोरों पर कर दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत पहले चरण के साथ 19 अप्रैल से होने जा रही है, जो आगामी 13 मई को अंतिम चरण के मतदान के साथ समाप्त होगी। वहीं मतगणना 4 जून को एक साथ होगी। छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहां से कांग्रेस ने अपने युवा सांसद नकुलनाथ पर फिर भरोसा जताया है, तो वहीं भाजपा ने भी युवा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू पर दाव लगाया है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर तीसरी राजनीति ताकत गोंडवाना भी युवा चेहरे को ही चुनावी रण में उतारने की तैयारी में है। इसी को लेकर एशियन भारत के संवाददाता आशीष मालवीय ने छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम मेहके से खास चर्चा की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसी के चलते लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में भी हैं। आज हमारे साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और कांग्रेस की क्या तैयारी लोकसभा चुनाव पर चल रही है उसको लेकर हमारे साथ नगर निगम के महापौर विक्रम याके जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है इसको कैसा देखते हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन भारत न्यूज चैनल पे। विक्रम जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब लोकसभा चुनाव आ गया है, पिछले समय अभी विधानसभा चुनाव गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस लोकसभा चुनाव को? बिल्कुल, छिंदवाड़ा का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हमेशा से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के इर्द गिर्द पूरे प्रदेश की राजनीति घूमती है। और चूँकि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें या विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हमेशा नाथ परिवार ने इसे एक राजनीतिक भूमि न समझकर पारिवारिक कार्य क्षेत्र समझा है, परिवार समझा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले हम 44 सालों के पूर्व में देखें, अभी पिछला विधानसभा चुनाव देखें, जिस तरीके से छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रति असीम प्रेम दर्शाया है, निश्चित तौर पर लोकसभा में भी नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से जिताएगी। विक्रम जी, एक चीज़ देखने को सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव गया उसमें कमलनाथ जी जीते, अब लोकसभा चुनाव आ गया, क्या लगता है कितनी लीटों से आप जीतेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी प्रत्याशी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अभी नॉमिनेट हुए हैं, नकुलनाथ जी सक्षम नेतृत्व हमारे बीच में है। नकुलनाथ जी एक विजनरी नेता हमारे बीच में, आज उनकी क्वालिफिकेशन देख लो, सारी चीज़ें देख लो। नकुलनाथ जी ने एक सपना देखा था छिंदवाड़ा को लेकर कि वो छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा को एजुकेशन हब और मेडिकल हब बनाएंगे, और उन्होंने प्रयास भी किया। आज हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की देन है। हमारे मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की देन है। तो निश्चित तौर पर नकुलनाथ जी जो हैं वो अच्छी सोच के हैं, और उनके कार्यकाल में हम देखें तो 5 साल का कार्यकाल नहीं रहा उनका, बल्कि 2 साल कोविड में चले गए। लेकिन कोविड में जाने के बावजूद भी नकुलनाथ जी ने जिस तन्मयता और ईमानदारी के साथ छिंदवाड़ा के लोगों में सेवा भाव से कार्य किया है, कोरोना काल के मंजर आप देखें किस तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और तमाम तरीके के जो उपकरण उपलब्ध कराए, कभी फ्लू टैबलेट उपलब्ध कराए, तो नकुलनाथ जी संजीदा सांसद के रूप में अपनी छाप छोड़े हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक पिछले बार की चुनाव से ज़्यादा लीड लेकर वो चुनाव जीते। विक्रम जी, एक चीज़ और है कि सातों की सातों विधानसभा आपके पास है, नगर निगम आपके पास है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत भी आपके पास है, क्या इसका फ़ायदा कितना होगा छिंदवाड़ा को? निश्चित तौर पर ये इकाइयाँ जब होती है, जनपद हो, जिला पंचायत हो, नगर निगम हो, तो डायरेक्ट जनता से कनेक्टिविटी होती है और एक सेवाकार का काम करने को अवसर मिलता है। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जनता ने हमें यहाँ चुनकर भेजा है, और हमारे हाथ भी तब मजबूत होते हैं जब हमारे प्रदेश और देश में हमारे लीडर मजबूत होते हैं। तो नकुलनाथ जी जब लोकसभा में पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी नगर निगम और जिला पंचायतों ऊपर से नीचे तक एक अच्छा काम करने का अवसर मिलता है और जनता तक सीधे कार पहुँचते हैं। अब विवेक बंटी साहू जो कि भाजपा ने उन्हें सांसद टिकट यहाँ से दिया है, और नकुलनाथ जो पहले से सांसद हैं फिर सांसद के लिए चुनाव के लिए उनको टिकट मिला है, कितना इसको कहा जाए कि आगे लेकर सांसद जी और जाएंगे? देखिए, आपने हमारे विपक्ष के प्रत्याशी जी का नाम लिया,
उनका कार्यकाल जितने उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि आप देखें, जब से वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जिले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में आप जिला पंचायत का चुनाव हार गए, उनके नेतृत्व में आप नगर निगम का चुनाव हार गए, उनके नेतृत्व में आप पूरी सातों की सातों विधानसभा हार गए, स्वयं वो दो बार चुनाव हार चुके हैं। तो एक हारे हुए प्रत्याशी की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करना मैं चाहता हूँ कि दूसरी बात हो। विक्रम जी, शहर में, ज़िले में, अब तो ये कहा जाए कि पूरे ज़िले का चुनाव अपन इसको मान ले, सांसद चुनाव जो है पूरे ज़िले का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस भाजपा अपने से कहा जाए कि जनता के बीच जाएगी? देखिए, छिंदवाड़ा का जो नक्शा है, छिंदवाड़ा के जो काम है, वो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने करवाए हैं। कुछ सालों में हमारे काम की रफ्तार धीमी जरूर हुई है सरकार नहीं होने की वजह से, लेकिन जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, उनके तमाम मंत्रियों के खिलाफ आक्रोश है। आप देखें कि जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए जितने भी सौगातें दी थी, उसको रोकने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे ज़िले में प्रतिदिन एक दो दिन में देश और प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री आते हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, वो फिर से आएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता उन मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल पूछना चाहती है कि आपने छिंदवाड़ा की जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? आपकी दुश्मनी कमलनाथ जी से हो सकती है, आपकी दुश्मनी नकुलनाथ जी के साथ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की आम जनता के साथ दुश्मनी निभा रही है, जिसका कारण है कि मेडिकल कॉलेज का फंड रोक रहे हैं, जिसका कारण है कि यूनिवर्सिटी का फंड रोक रहे हैं, जिसका कारण है कि नगर निगम का फंड रोक रहे हैं, और तमाम तरीके के जो विकास कार्य है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका जवाब पिछले चुनाव में जनता ने दी थी और आने वाले चुनाव में भी जनता इसका जवाब देगी। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम यहाके जी हमारे साथ थे, जिन्होंने हर सवाल का हमें जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जिन्हें कांग्रेस से टिकट मिली है, नकुलनाथ जी, वो कितने वोटों से जीत रहे हैं और छिंदवाड़ा में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भेजाएंगे, इन सब बातों का उन्होंने जवाब दिया। एशियन भारत के लिए छिंदवाड़ा से सत्यम के साथ आशीष मालवीय।